जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हैं। तो आज हम आए हैं कुछ शॉपिंग करने, और वो भी आइकिया से। तो चले आए आप हमारे साथ रहें, क्योंकि आइकिया से आपको काफ़ी चॉइसेस मिल जाती हैं। जी ये मेन एंट्रेंस है आइकिया की, काफ़ी बड़ा स्टोर है। चले फिर अंदर चलें। एंटर होते ही ना ये ऐसे डिस्प्ले पे आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपका दिमाग खुल जाता है। समटाइम आप लेने कुछ आते हैं, लेके कुछ जाते हैं। तो मुझे कुछ चाहिए थी किचन की चीज़ें, तो ये देखें, जैसे ये सारा किचन का एक सेटअप है, मॉडर्न किचन। तो इसमें आपको देखिए, अब यहाँ ये ट्रॉली से लेके इधर देखें, जैसे स्टोरेज वगैरह की ट्रॉली से लेके एवरीथिंग आपको ये सारा ना इधर से एक सेटअप उन्होंने किया हुआ है। तो इधर से आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ ये इधर से बाय करने के जो भी आपने इवन की ये छोटी छोटी जो भी चीज़ लगी है उसका एक कोड है, यहाँ से आपको जो चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप उठा नहीं सकते। ये कोड आपके पास होगा तो फिर नीचे जो ऊपर वाले फ्लोर पे मॉडल और नीचे सारी चीज़ें पड़ी हैं वहाँ से फिर आप उठाओगे। तो ये एक ऑफिस टाइप, एक जैसे एक दुकान छोटी शॉप टाइप है टेलर की, तो उसका सेटअप सारा दिखाया हुआ, कैसे आप मशीन और सारी नलकियाँ धागे और ये सारा इनकी ये देखे ना, एक छोटी सी दुकान का सेटअप दिखाया टेलर का। ये थोड़ा सा मॉडर्न टच में होते हैं ना इनका, ये सारा लिविंग सेटअप है, सोफा कॉफी टेबल और साथ ये। तो ये सब अब एवरीथिंग जो छोटी से छोटी चीज पड़ी है ना इधर, वो आपको आइडिया देती है, लाइक आप उससे आइडिया लेते हो अपने घर के लिए। इधर सारी लिविंग की और लिविंग रूम और ड्राइंग रूम जैसे भी उसके लिए ये कम्फी कम्फी सोफा, सोफेज की वैरायटी, लेकिन इनका अपना एक फैब्रिक है, अपना ही टच है आइकिया की। आप जहाँ भी जाओगे ना आपको पता चल जाएगा ये आइकिया का फर्नीचर है। ये इधर थोड़ा सा फॉर्मल लुक है, लेदर का सोफा, लिविंग और साथ सेम विंडो दी हुई है बाहर, जैसे भी एक घर में या बिल्डिंग का एक अपार्टमेंट होता है ना, सेम वैसी लुक आ रही है। ये भी एक छोटा लिविंग रूम, ये इसकी प्राइस है 449। अब ये जो लिविंग एक बिल्कुल डार्क कलर में और सेम उसी तरह के कंट्रास्ट के कलर उन्होंने दिए, ये आपको हेल्प करते हैं कि आपका पेंट के साथ आप कैसे चीज कौन से कलर के साथ खेल सकते हो अपने रूम में। यहाँ लेडीज का बड़ा दिल लगता है आके, इतनी चीज़ें हैं तो दिल करता है ये भी उठाओ ये भी उठा लो। ये साइड टेबल्स, जैसे ये साइड टेबल्स हैं उसके अंदर जगह रखी हुई, कुशन वगैरह उसके अंदर रखें, जब ज़रूरत है बाहर निकाल लें। बच्चे आके भी इधर बहुत एंजॉय करते हैं, कि उनको काफ़ी उनके इंटरेस्टेड उनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, वो फन करते हैं, इधर बोर नहीं होते। ये देखें ये भी एक सही एक सर्दी की लुक दिखाई हुई है ना, एक्टिव प्लेयर्स स्कीइंग करने वाले बॉयज के लिए पीछे था सारा, और ये सारा किचन है एक ट्रेडिशनल सा। ये सब इजी चेयर्स हैं,
डिफरेंट कलर है इसमें। छोटी ये वाली जो छोटी वाली ये $80 की है। ये जो इन्होंने येलो साइन पे लगा होता है ना ये इनकी सेल है, लोएस्ट प्राइस इनकी। कुछ आइटम सेल पे होती है येलो से इसको प्रोमिनेंट करते हैं कि ये सेल पे लगी है चीज। कॉफी टेबल और साइड टेबल, ये देखें ये एक रैक और छोटी शेल्फ का एक स्टैंड है, तो ये इनका सेल पे आया हुआ है $50 में। ये आप कहीं भी किचन में, अपने लिविंग में, अपने बेडरूम में सेट कर सकते हैं। आइडियाज उन्होंने दे दिए। एक ये रैक है टॉल, ये तो हर घर की जरूरत है और हर घर में है अभी। ये मेरे घर में भी है, तो ये $140 का। तो ये इनका ऑलवेज ये स्टॉक में ही रहती हैं ये चीज़ें। कोविड के दिनों में कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी, लेकिन अभी तो रूटीन में फिर हर चीज़ आ गई है। तो इस तरह के आइडियाज़ हैं आज, यही हम देखने आए हैं। और जो हमें अब देख किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें चाहिए, अगर मिल गई तो वो हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे। ये ऐसे किचन का सेटअप है सारा, सेट उन्होंने बिल्कुल सारा ऐसे करके रखते हैं जैसे अभी कोई काम करके गया है। ये देखें हर चीज देखो उसके अंदर ऐसे सेट की हुई। ये भी बड़ा अच्छा था इसमें, ये देखें इसमें प्याज फ्रूट वगैरह कुछ बस ऐसे डाल के तो रख दो। ये एक थोड़े से बड़े किचन का सेटअप है ग्रे एंड सिल्वर में, साथ ही डाइनिंग सेट किया हुआ है। और इधर सारा ये कुकिंग स्टोव फ्रिज और साथ ही सिंक है। तो ये आप जैसे ये सेटअप किया हुआ ना ऐसे ही आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ये देखें ये जो रेड आपको कहीं कहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि अब चाइनीज़ का ये आ रहा है न्यू ईयर, तो उसकी थोड़ी थोड़ा डिस्प्ले पे उन्होंने रेड और ये इस तरह की फिर चीज़ें लगा देते हैं। ये चेयर्स वगैरह देखें ये इस तरह की आजकल ही नए चेयर्स, ग्लास वुड वुड का टेबल है लेकिन चेयर्स उन्होंने साथ ये इस तरह रखी ग्लास में। ये कंफर्टेबल होंगे देखने में, तो नहीं लग रही इतनी। ये देखें ये इलेक्ट्रिक चूल्हा और ये है $1800। ये इलेक्ट्रिक है और साथ ही ये सारे इधर कुकिंग स्टोव गैस के पड़े हुए हैं, उनके भी सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। 17 ये 1700 में इलेक्ट्रिक महंगा गैस सस्ता। इनके भी साइजेस डिफरेंट है, आप अपने किचन के लिए जो जितनी आपकी कैपेसिटी वो है जगह उसके मुताबिक आप बड़ी छोटी साइजेस में फिर आप। साथ ही उन्होंने प्राइस दी हुई जो आउट ऑफ स्टॉक है उस पर उन्होंने मेंशन किया हुआ। ये छोटे छोटे डाइनिंग है और ट्रॉली है छोटी फैमिली के यंगस्टर जो बच्चे न्यू कमर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जगह के मुताबिक फिर वो छोटा छोटे डाइनिंग टेबल है, बड़े घरों के लिए बड़ी डाइनिंग टेबल। इधर सारे ये छोटे स्टूल्स वगैरह किचन के लिए, ये स्टेप्स हैं और ये सारी ट्रॉली और रैक्स। ये चेक करें एक बच्चों का बेडरूम का सेटअप, ये बंक बेड है और नीचे ये कितना मज़े का ये वाला मैट्स। ये छोटी सी जगह पे इतनी सारी चीज़ों का सेटअप उन्होंने दिखा दिया कि कैसे। अब आइडिया खुद आपने लेना है और मेक आपने खुद करना है, फाइंड आपने खुद करना है। ये अब बेडरूम बेडरूम सेटअप आ गया।
क्लोजेट ये बहुत बढ़िया ऊंची खुली, कितनी ह्यूज क्लोजेट है। इधर ये है कि आप ना अपने स्पेस के लिहाज से फिर कस्टमाइज करवा सकते हैं, वो थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन काफी अच्छी ये बड़ी है क्लोजेट। क्लोजेट तो घर में जितनी भी हो उतनी कम है। कर्टन भी बहुत प्यारे हैं, ये पूरा एक बेडरूम सेटअप है। और ये सब आइडियाज इस इधर आके बस आपको है कि आइडियाज मिलते हैं। जैसे ये हैंगर है, आप उन्होंने कैप हैंग कर दिया, आप कुछ और आप अपने स्कार्फ हैंग कर सकते हो, अपनी स्वेटर हैंग कर सकते हो। आइडिया उन्होंने दे दिया, यूज आपने कैसे करना है वो आप आपके ऊपर है। तो इन्होंने ये कैप डिस्प्ले पे दिखा दिए। बेडरूम की आपको ना काफ़ी उन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हैं और काफ़ी आपको चॉइसेस भी मिलती हैं और आइडियाज भी मिलते हैं। ये जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये भी एक बेडरूम का सेटअप है। तो ये अच्छा है, ये नाइस है। और ये भी बेडरूम, उसकी डेकोरेशन डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। और इसमें आपको इसमें भी मतलब आइडिया जो है ना वो इधर से आपको बहुत अच्छा मिलता है, एक मॉडर्न लुक। ये वो रैक जो मैं कह रही थी कि आप बेडरूम में सेट कर सकते हो, किचन में सेट कर सकते हो, लिविंग में सेट कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है। और ये साथ ही ये इसके साथ जैसे एक बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम दिखाया हुआ है और उसका सारा सेटअप के अगर जैसे स्पेस थोड़ी है तो आप वॉल पे ये सब जो केबल या हैंगर्स लगा के इसको फिट करवा करके तो अपनी चीज़ें उसमें पूरी कर सकते हैं, वैनिटी वगैरह सारी। और वॉशरूम की ज़रूरत की हर चीज़, स्मॉल क्लोज़ेट, हेयर ब्रश, एवरीथिंग, ये सब। ये देखिए धोने वाले कपड़े इसमें रखे छुपा के। ये अब सारा सेटअप जो आप देख रहे हो ये एक लॉन्ड्री रूम का सेटअप है। ये वॉशिंग मशीन और ड्रायर, तो इसी तरह यहाँ सेटअप्स होते हैं, इकट्ठे लगाए जाते हैं, फिर ऊपर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैबिनेट वगैरह एक लॉन्ड्री रूम को सेट कर सकते हैं। साथ सिंक वगैरह भी होते हैं। ओ ये मैट्स, वॉशरूम मैट्स मुझे चाहिए, ये मैंने लेने हैं दो, ग्रे कलर ही पड़ा हुआ है, चलो ग्रे ही ले लेते हैं। तो इसकी प्राइस है $10 प्लस टैक्स। ये मैंने वॉशरूम के लिए दो मैट्स लेने हैं। इधर से कॉट्स भी मिल जाती हैं लेकिन हमने बस कॉट आज ली नहीं है। और ये नईम साहब ने पकड़ लिया बैग जो मुझे होल्ड करना पड़ रहा है। और मैंने इधर से क्या लेना था, लिक्विड सॉप के लिए, अच्छा वो पूरा सेट ही नीचे से लूंगी। हैंगर कितने के लगे हुए नहीं, ये वाले नहीं अच्छे। ये सब आ गया बच्चों का स्टफ, सॉफ्ट स्टफ आ गया। ये $20 का और ये मिरर $70। ये देखो ये रस्ते भी उन्होंने लगा दिए कि ऐसे है ना भालू को ऐसे सुला दो, सो जो। अब इधर ये सब आ गया बच्चों का स्टफ, छोटे छोटे टॉयज पड़े हुए हैं। और ये इधर छोटे बेबीज के रूम, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अब देखो ये कितना अच्छा आइडिया आपको दे रही है, छोटे बच्चों का रूम, बेबीज के रूम सेट करने के लिए। बच्चे इस तरह के कमरे में कितने हैप्पी रहते हैं। अब ये हर चीज आपको इधर से मिल जाएगी तो सेट आप कर लें।
ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अंदर एक ये क्वेश्चन है, ये सब बेबीज के कंफर्टर और कलर सारे सॉफ्ट और ब्राइट चॉइसेस हैं बॉयज और गर्ल्स की। इनका स्टफ कॉटन में, मतलब इनके स्टफ बड़ा अच्छा होता है, वॉशेबल और बड़ा सॉफ्ट कॉटन। ये देखें ये कितना प्यारा एक बेबीज का बेडरूम सेट किया हुआ है, विंटर थीम, लाइटें बड़ी प्यारी लगी हुई हैं, विंडो पे बाहर शो करवा रहे हैं, बाहर स्नो पड़ रही है। ये कंप्लीट किड्स रूम फॉर अंडर $979,000, नॉट बैड जी। ये देखे तो ये एक और किड्स बेडरूम का एक आइडिया दिया कि ऊपर बेड है और नीचे सारा सिटिंग और स्टडी रूम बना हुआ छोटा सा, और टीवी वगैरह सब एक रूम को सेट किया हुआ है। ये भी एक किड रूम है बेडरूम। चॉइसेस उन्होंने काफी दे दी हैं। इधर से सब अब ये कारपेट वगैरह मैट्स वगैरह रूम फ्लोरिंग के लिए, और ये बच्चों के ट्रेन ट्रैक सारी प्लेस से रिलेटेड सारी ये छोटी छोटी, ये सब वुड की बनी होती है। ये सारे बच्चे फिक्स करते हैं, खेलते हैं, फिर उनको पैक करके तो रख दो। ये इधर जो बच्चों की बेबी कॉट्स क्रिब्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये वुड में है, सारी मोस्टली वुड में है, ये वाइट में है। ये सारी और साथ ही ये बेबी चेयर्स हैं, फूड वगैरह बच्चों को खिलाएं तो ये चेयर्स, सारा आपको गाइड किया है कि ये सारी चीज़ें खरीदो। ये बेबी के ग्लास वगैरह बर्तन छोटे छोटे, जब मेरे बच्चे छोटे थे मैंने भी लिए हुए, अब पता नहीं कहाँ चले गए। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं कलर जी। ये तो ये है आइकिया का ना स्वीडिश रेस्टोरेंट है, इधर से आप कॉफ़ी वगैरह और मील वगैरह ले सकते हो। आज हमारा इरादा है कि हम इधर से कॉफ़ी पीते हैं, ये बड़ा अच्छा, जब आप थक जाते हो तो आराम से इधर बैठ के, कैफेटेरिया बना हुआ रेस्टोरेंट है, इधर बैठे और अपना मील इंजॉय कर। बेकरी है इधर से मफन, और इनके मफन वगैरह बड़े अच्छे हैं, फ्रेश बनाते हैं, मज़े के होते हैं, और प्राइस भी बड़ी, और प्राइस भी है। ये सिनामिन बन जो है ना $1.50 का है, $1.50, और कॉफ़ी भी उतने की है। तो ऐसे जैसे इधर से आप लेके तो फिर उधर पे करके तो बैठ के अपना एंजॉय करें। चले हम भी एक मफ़न लेते हैं और कॉफ़ी लेते हैं क्योंकि थक गए हैं। जी ये गार्लिक ब्रेड है, साथ ये देखे देखे समोसा भी पड़ा हुआ है, सूप वगैरह भी है लेकिन मुझे नहीं पता सूप के, लेकिन ये गार्लिक टोस्ट है और ये समोसा डिनर रोल, तो ये वेज ही होगा, चेक कर लेते हैं। आई नीड वन, तो ये वेज मैंने पता किया तो ये वेज समोसा है, तो मैंने कहा एक समोसा ट्राई करते हैं, एक नाइम का और एक मेरा, और साथ और क्या खा सकते हैं हम, ये सैलेड वगैरह है, ये सैलेड और सूप वगैरह था। गार्लिक ब्रेड चाहिए, वन गार्लिक ब्रेड, मेरा गार्लिक ब्रेड ड्राई लग रही है मुझे, उसकी जगह मफ़न ले लेते हैं। चलें तो अभी हमने कॉफ़ी लेनी है, तो कॉफ़ी के लिए हमें मिले हैं टोकन डालेंगे तो इधर से कॉफ़ी है।
कॉफी बाय जी गाइस। तो अभी जैसे सारा एक टूर किया हमने शॉपिंग, अभी तो सिर्फ हमने डिस्प्ले देखा है, तो अभी हम अपनी कॉफ़ी इन्जॉय करने के लिए, बड़ा अच्छा एक रेस्टोरेंट है, सिटिंग एरिया भी बड़ा अच्छा है, तो हमें टेबल भी बड़ा अच्छा मिला है, बाहर से व्यू भी देखे आप। अभी हम कॉफ़ी को इन्जॉय करते हैं और साथ समोसे खाते हैं, नहीं भी बहुत थक गए हैं, चलें फिर आपसे कॉफ़ी और अपने थोड़े से रिफ्रेशमेंट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। समोसे तो हमने खा लिए, तो अभी कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा है। ये मैंने कैपुचिनो लिया और नईम ने लाटे लिया। कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अभी ये सिनेमन जो बैल बन है ना, तो इसको ट्राई करते हैं। जो इसका सिनेमन की सर्दी में ना, मुझे जब ये बन बन रहे होते हैं ना, मुझे इतनी अच्छी स्मेल लगती है, दिल करता है फौरन खा लूं। बहुत मजे का सही सिनेमन टेस्ट साथ कॉफी, मजेदार। ये अच्छा ना, आप थोड़ी शॉपिंग करें और साथ थोड़ा मील और अपना डिनर या कॉफ़ी को एंजॉय करें, तो बंदा इससे थकता भी नहीं है। जी गाइस, तो कॉफ़ी तो हमने एंजॉय कर ली और अभी कनाडा का जो असूल है कि सेल्फ सर्विस, खुद ही आपने लेके आना है, खुद ही फिर आपने उधर ड्रॉप करने टेबल से, अपने बर्तन वगैरह उधर काउंटर बना उधर छोड़ने। और ए और ये भी है कि आइकिया जो है ना, इस पर आपको एक पूरा दिन चाहिए। अगर आपने सिर्फ पूरे आइकिया का विज़िट करना है, इन्जॉय करना, समटाइम होता है आपके पास एक आइडिया होता है, आपने बस वो चीज़ उठाई और चले गए, लेकिन समटाइम आप जो है वो आपको ना पूरा दिन चाहिए, थोड़ा सा थक जाते हो, फिर आप बैठो रेस्टोरेंट में, थोड़ा सा अपनी एनर्जी बहाल करो, फ्यूल लो खाने पीने का, और फिर बैक टू शॉपिंग। एक बंदा यहाँ बोर हो जाता है, यहाँ अगर आते हैं ना तीन चार फ्रेंड्स भी मिल के, तो वो भी बड़ा इंजॉय करते हैं। ये लेके ऐसे हमने इसको प्लेस कर दिया, तो ये ले जाएंगे साथ, तो हम फारिग, थैंक यू। ये सारा डाउनस्टेयर जाएंगे ना, तो डाउनस्टेयर भी सारी चीज़ें डाउनस्टेयर पड़ी हुई हैं जो लेनी है, ऊपर से सिर्फ हमने देख रहे हैं। ये मैं आपको एक आइडिया दूँगी, देखो ये मैट भी, एज ए मैट भी यूज़ कर सकते हो आप, और वॉल पेंटिंग और हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी कोई कलरफुल, जैसे ये पेंट ऐसा है, तो ऊपर ये ऐसे भी एक डेकोरेशन पीस बन सकता है, इसके ऊपर भी कुछ लगा सकते हो, फ्लावर वगैरह। देखो कितना अच्छा आइडिया दिया मैंने गाइस, पीतल की परात, मतलब धरती कली करा दे पहले कली कराते थे ना पीतल की परात, तो ये ऐसे ना एज ए डेकोरेशन और ऐसे सेटअप आपने जैसे भी करना, लेकिन ये अच्छा एक लुक है। तो मैं सोच रही हूँ इसके बारे में, और नहीं मुझे घूर रहे कि क्या उठाती जा रही तो इसमें टू चॉइस हैं, सिल्वर भी है और ये देखें कली की हुई भी है और बगैर कली के भी है। वो पीतल वाली ज्यादा ग्रे, हाँ उसकी वो ज्यादा उसकी ग्रेस है। जी गाइस, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये सारी इधर ना अच्छी एक कलेक्शन, आप प्लेट्स बाउल्स और अपने किचन का स्टफ़ बाय कर सकते हैं। सेट भी बने हुए हैं, जैसे ये बाउल सेट भी बने हुए हैं, प्लेट सेट भी हैं, और इधर सारे ये स्पून सेट हैं, ये सारा इधर वही आपका डिनर सेट वगैरह, ये पूरे डिनर सेट पड़े हुए हैं $60 में। तो गाइस ये जो है ना ग्लास के कप्स ग्रीन टी या कॉफ़ी के लिए, ये मुझे चाहिए थे, तो
मैंने कहा चलो ये भी लेते हैं। सब कंफर्टर जो है उसके कवर हैं, जैसे रजाइयों के कवर, रजाइयों के कवर नहीं हम बनाते, ये सब सिले सिलाए आपको इन, ये स्टफ में स्टफ इनका बड़ा अच्छा है, लाइक लोएस्ट प्राइस से भी शुरू होता है। जैसे ये इनकी लोअर प्राइस, ये लगा हुआ है सेल पे $20 में, दो पिलो कवर हैं और एक कंफर्टर का, और ये 40 का है ये वाला, ये 70 का है, तो डिफरेंट प्राइसेस हैं, लेकिन चॉइस ये कलर की है। ये देखिए फ्लावर कितने प्यारे हैं, ये देखिए अब एक जो है ना, ये पता नहीं कितने की इसकी प्राइस, एक तो ऊपर नहीं लिखते, फिर ढूंढनी पड़ती है किधर। ये सब गुलदान और फ्लावर्स और डेकोरेशन घर के लिए, वो आगे सारे रियल प्लांट्स पड़े हुए हैं, एलोवेरा पड़ा है, इंडोर प्लांट्स हैं ये सारे। ये आगे ये सब कैंडल्स हैं, इस कैंडल वाले सेक्शन में आओ ना तो एक इतनी ब्रीजी स्मेल आती है, फ्रेश फ्रेश। ये सब कैंडल स्टैंड पड़े हुए हैं, कैंडल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ से अब हमारा जो है ना आइकिया का एक राउंड खत्म हुआ। लेकिन अभी यहाँ आगे जो है ये सेल्फ, जो भी आपका फर्नीचर है, लाइक अभी यहाँ से शुरू होता है, जो आपने अंदर से चूज किया है ना फर्नीचर, जो नोट करके, तो उनकी वो डिफरेंट आगे बनी हुई है, फाइल्स नंबर लगे हुए, नंबरिंग है, तो आपने नंबरिंग के हिसाब से इधर ढूंढनी है और उधर से खुद ही जाके ढूंढ के तो अपनी चीजें लेनी है। लोग खुद ही लगे हुए बेचारे इधर दिमाग खपाई कर रहे हैं, लेकिन हेल्प के लिए आप बुलाएं तो आ जाते हैं, लेकिन करना सब कुछ खुद ही है। एक चीज आपने खुद देखी, ऊपर सेलेक्ट की, फिर उसके ये सब बॉक्सेस बने हुए हैं और नंबरिंग, और इधर से खुद ही बस लेनी है, तो बस इधर से बड़ी कार्ट मिल जाती है, तो सारा कुछ उठाओ घर जाके खुद ही जोड़ो। जी ये देखें, अब हम कार्ट तो मैंने फुल कर ली है, नहीं मेरे साथ साथ हैं, बड़े अच्छे हस्बैंड हैं, कुछ कहते नहीं है। क्या क्या आंखों आंखों में डराते हैं बस। लेकिन ये आज अभी हम जा रहे हैं चेकआउट की तरफ, तो आगे अभी ये चेकआउट भी इन्होंने मोस्टली सेल्फी एक्सप्रेस चेकआउट ही रख दिया, खुद ही जाके आप सारे काम बस खुद ही करने हैं। जी गाइस, तो आज जो हमने आइकिया का आपके साथ सारा टूर किया, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा तो यहाँ आगे वापस जाने को दिल नहीं करता, दिल करता है सारे घर की चीज़ें आप चेंज कर लो। तो चलें, आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते, अल्लाह हाफिज़।